लोग इतना नहीं देखते हैं कि बापूजी ने और नारायण साई ने समाज के लिए क्या किया है। आज वही देख के पूरा इंटरनेशनल और नेशनल में सारी संस्थाएं उसको फॉलो कर रही है और बहुत सारे युवा वर्ग भी उसके साथ जुड़ के वैलेंटाइन डे नहीं मना करके मातृपितृ पूजन मना रहे हैं। सरकार से और प्रशासन से यही मांग करते हैं कि आज निष्पक्ष जाँच करवाओ, जल्दी जाँच करवाओ और जो है उसका खुलासा जल्दी करो। राजेश भाई पटेल, कहाँ से आए हो? मैं वडोदरा से आया हूँ। वडोदरा से आज यहाँ किस लिए आना हूँ? वडोदरा से आज पूज्य साई का दर्शन के लिए हम आए हैं इधर में, क्योंकि आज साई का कोर्ट में तारीख है, इसके लिए हम इधर दर्शन करने को वडोदरा से स्पेशल आए हैं। लेकिन आपको नहीं पता कि नारायण साई जी पे काफी गंभीर आरोप लगे, उनके पिताजी पे भी काफी गंभीर आरोप लगे, वो जोधपुर जेल में बंद है और नारायण साई जी यहीं 5 सालों से लाजपुर जेल में बंद है, उसके बावजूद आप पूरे परिवार के साथ उनके दर्शन करने आए हो? नहीं, मैं तो एक्चुअली 25 साल से बापूजी और साई जी से जुड़ा हुआ हूँ और ऐसा कोई है नहीं कि गंभीर आरोप जैसा कोई चीज़ ही नहीं है। ये तो अभी ठीक है राजनीतिक और जो कुछ करके इन्होंने सब आरोप कर दिया है, बाकी ऐसा कोई है नहीं। ये लोग इतना नहीं देखते हैं कि बापूजी ने और नारायण साई ने समाज के लिए क्या किया है। समाज के लिए बापूजी ने गरीबों का उत्थान किया, समाज में बहुत सारे संदेश दे के उत्थान किया, जैसे तुलसी पूजन है, वैलेंटाइन डे नहीं मनाना है, उसके बदले मातृपुत्र पूजन दिन मनाना है। आज वही देख के पूरा इंटरनेशनल और नेशनल में सारी संस्थाएं उसको फॉलो कर रही है और बहुत सारे युवा वर्ग भी उसके साथ जुड़ के वैलेंटाइन डे नहीं मना करके मातृपितृ पूजन मना रहे हैं। दूसरा, बापूजी ने गौ सेवा का भी बहुत बड़ा ये किया है, गुरुकुलों चलाई है, ये अस्पतालों चलाई है मुफ्त सेवा के लिए, एम्बुलेंस अस्पताल है काफ़ी जगह पे, जहाँ इंटीरियर इलाके में कोई नहीं करता है वहाँ पे, जहाँ आंध्र में बाढ़ आ रही है, कच्छ में भूकंप आ रहा है, वहाँ पे पूज्य बापूजी का ही पहले सबसे पहले ये पहुँच रहा है। वो लोग को नहीं दिखते हैं, प्रशासन को ये देख के पूज्य बापूजी को और साईं जी को फास्ट ट्रैक में ये केस चलवा के वो तुरंत निराकरण उसका लाना चाहिए। आपने बताया 25 सालों से बापू से जुड़े हुए हैं, तो आश्रमों में भी जाते होंगे, तो कुछ टीवी चैनलों का लोगों का ऐसा कहना है कि आश्रमों के अंदर गलत गतिविधियां होती है, तो कितनी सच्चाई है? आश्रम में कुछ गलत विधियां नहीं चलती है, ओपन है, कोई आश्रम को गेट नहीं है, आप कभी भी 24 कलाक में जाके देख सकते हो, ऐसा कोई आश्रम में गेट नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है कि आप कहाँ पे आश्रम में नो एंट्री, ऐसा कहीं पे बोर्ड लगाया नहीं है। दूसरी चीज है कि जहाँ तक ये बोल रहे हैं कि भाई ये ऐसा ऐसा आश्रम में ये सब चलता है, ऐसा कुछ चलता नहीं है और कुछ है ही नहीं। मतलब आज भी पूरा विश्वास है बापू साईं पे? पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है। आज आप पूरे परिवार के साथ बड़ोड़ा से यहाँ आए हो, तो लोग होते हैं तो लोगों को कोई परिवार वाला या रिश्तेदार जेल के अंदर बंद हो तो भी वो समाज में नहीं पता चलने देता कि हमारा समाज का कोई जेल के अंदर बंद है, और आप लोग तो खुला आते हो, खुले से बोलते हो कि बापू साई निर्दोष है, तो उसके पीछे का क्या कारण है? उसके पीछे का कारण यही है कि पूज्य बापू जी की सत्यता, जो सत्यता है उसके लिए कोई डरता नहीं है, बराबर है, सत्यता है, इसके लिए सब साधक लोग और नहीं भी साधक है लेकिन बापूजी को और नारायण साईं को जो सुनते हैं मानते हैं वो भी लोग आते हैं दर्शन करने। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे साधक अकेले आते हैं, नहीं, जो साधक है वो भी लोग आते हैं। क्या मांग करोगे सरकार से प्रशासन से? सरकार से और प्रशासन से यही मांग करते हो कि आज निष्पक्ष जाँच करवाओ, जल्दी जाँच करवाओ और जो है उसका खुलासा जल्दी करो। आपने देखा ये पूरा परिवार है बड़ोड़ा से आया है, इनका यही कहना है कि भले आसाराम जी बापू और नारायण साईं जी पे काफी गंभीर आरोप लगे, बापू साईं 5 साल ऊपर हो गए जेलों के अंदर बंद है, लेकिन आज भी भक्तों की श्रद्धा बरकरार है, आज भी भक्त आसाराम जी बापू और नारायण साईं जी को निर्दोष मानते हैं, और लगातार सरकार से प्रशासन से भक्त लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आसाराम जी बापू को, जल्द से जल्द नारायण साईं जी को रिहा किया जाए। कैमरा मैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, सूरत सेशन कोर्ट से, रफ्तार न्यूज़।